बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और वो क्या करता है, इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो हमने क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है उस मिरर की। तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको पी से डिनोट करेंगे, 10 सेंटीमीटर। और जो इमेज डिस्टेंस है उसको क्यू से लिखते हैं, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और इसको माइनस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसकी रीज़न क्या है, इमेज इज़ वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। इमेज जब बिहाइंड द मिरर होगा और कन्वेक्स मिरर की वजह से वर्चुअल इमेज बनता है, तो इस वजह से क्या लिखेंगे, साथ माइनस का साइन लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, अब फाइंड करना है। तो मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/f = 1/p + 1/q, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/f आ जाएगा 1/10, पी की वैल्यू 10 है और क्यू की वैल्यू -5। ये हमारे पास आ जाएगा 1/f = 1/10 - 1/5। इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 1 - 2 आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर f = -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बेसिकली -1/10 आएगा, ये 1/f है तो f - 10 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव सो मिरर इज कन्वेक्स। फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज इट। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और वो कहाँ पे है, कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। फोकल लेंथ मिरर की कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे लोकेट कर रहा है, यानी कि क्यों कितना होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा और हाउ हाई इट इज इट, और उसकी इमेज की हाइट कितनी होगी। तो जो डाटा हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी, इस पी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p = 10.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें फोकल लेंथ गिवन है, तो वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। वेयर दी इमेज इज लोकेटेड, तो इमेज डिस्टेंस क्यों फाइंड करना है, हाउ हाई इज इट, हमने क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो वही मिरर फार्मूला है, 1/f = 1/p + 1/q। इस फार्मूला की मदद से हम क्यू फाइंड कर लेंगे इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से 1/q इक्वल आ जाएगा 1/f - 1/p। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/q = फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है और p की वैल्यू 10.5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। उसी तरह 1/q इक्वल आ जाएगा -5.5/168। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -168/5.5, यानी कि क्यू = -30.54 सेंटीमीटर। जो बिहाइंड द मिरर है, इस वजह से क्यू की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। The negative sign of Q shows that the image is virtual and forms behind the mirror. Next, हमें जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल होती है I/O = Q/P। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, I/O = Q/P। तो इसमें हमने I फाइंड करना है, I इक्वल आ जाएगा, ये O उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो Q/P (O) हो जाएगा। I = 30.54/10.5/30। ये Q की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की और O की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, 87.26 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, इमेज हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कि एक ऑब्जेक्ट और उसका इमेज है कनकेव मिरर में सेम हाइट पे हैं, येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर,
जब ऑब्जेक्ट कितना हो 20 सेंटीमीटर हो मिरर से, हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। डाटा ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, ये हमें यहाँ पर बताया गया है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ओ इक्वल टू आई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लिख सकते हैं, या यूँ समझें कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, देन ओ इक्वल टू आई। ओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट और आई इमेज हाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो उसके बाद हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है पी 20 सेंटीमीटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है आई ओवर ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी है। हम यहाँ से क्यू फाइंड करेंगे, क्यों क्यू फाइंड करेंगे, क्यों क्यों फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए जो मिरर फार्मूला है उसमें पी भी यूज़ होता है और क्यू भी यूज़ होता है। पी की वैल्यू है लेकिन क्यू की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्यू ओ ओवर ओ, आई और ओ दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, तो इस वजह से आई की जगह पे पी ओ पुट कर दिया, ओ ओवर ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ से क्यू ओवर पी इक्वल टू वन आ जाता है, यानी कि क्यू इक्वल है पी के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं, वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वन ओवर एफ इक्वल आ जाएगा वन ओवर पी प्लस वन ओवर पी के, क्योंकि क्यू और पी दोनों सेम है। तो अब वैल्यूज पुट करें, वन ओवर एफ इक्वल टू वन प्लस वन ओवर पी। एलसीएम लिया है, बेसिकली एलसीएम लिया है, तो वन प्लस वन ओवर पी। अब पी की वैल्यू पुट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद टू डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा, तो वन एफ इक्वल आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई टू के, यानी कि एफ इक्वल टू 20 बाई टू। ये पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, वो पुट की एफ इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो ये वो फोकल लेंथ है इस मिरर की जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.4, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हमने मिरर की फाइंड करनी है जिसका इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 34.4 सेंटीमीटर पे मिरर के सामने। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो गिवन है वो 34.4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर और जो इमेज है वो 5.66 सेंटीमीटर है। इसके साथ हम माइनस लिखेंगे क्योंकि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है और हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो फार्मूला वही, मिरर फार्मूला यूज करेंगे, वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। वन ओवर एफ इक्वल आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई 34.4, ये पी की वैल्यू है, और वन ओवर माइनस 5.66 क्यू की वैल्यू पुट की। इसको सिंप्लीफाई किया, वन ओवर 34.4 माइनस वन ओवर 5.66, तो वन ओवर एफ इक्वल आ जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यूज इसकी आ जाएंगी, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एफ इक्वल आ जाएगा, इसको इन्वर्स कर देंगे, माइनस 194.7 डिवाइडेड बाई 28.74, तो फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 6.77 सेंटीमीटर, जो हमने इस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी थी। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव कन्वेक्स मिरर की होती है, तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि क्या है, ये कन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज किया गया है। 12.5 है, एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। एक इमेज है स्टैचू का जो कहाँ पे बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 11.5 सेंटीमीटर पे इमेज डिस्टेंस होगा ये। फोकल लेंथ गिवन है 13.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द स्टैचू टू द मिरर यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हमें गिवन है माइनस 13.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नेगेटिव इस वजह से लिखी क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस क्यू ये कितना है, 11.5 सेंटीमीटर, और इसके साथ भी माइनस लिखेंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो
इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वही 1/f = 1/p + 1/q है। पी हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 1/f - 1/q की इक्वल 1/f की वैल्यू -13.5 और क्यू की वैल्यू -11.5। सिंप्लीफाई होके 1/-13.5 + 1/11.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/p = -1/13.5 + 1/11.5। तो 1/p इक्वल आ जाएगा माइनस, ये एलसीएम लिया है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो ये हमारे पास डिवाइड होके आंसर आ जाएगा p = -6.2 cm। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.6। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 मीटर। एक कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ 8.70 मीटर है, उससे एक इमेज फॉर्म हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 13.2 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है 19.3 सेंटीमीटर पे। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन और हाइट उस इमेज की फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। हमने क्या करना है, हाइट उस इमेज की फाइंड करनी है जो उस मिरर की वजह से बनेगा इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। जबकि ऑब्जेक्ट कितना हो, ट्वाइस टाइम एज फार फ्रॉम द मिरर, मिरर से डबल डिस्टेंस पे दूर हो, यानी कि जितने इमेज पे, जितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा उससे डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हमें कि माना है 8.70 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 13.2 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हाइट उसने लिखा है ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट होगी 13.2 सेंटीमीटर आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 19.3 सेंटीमीटर है। हमने ए पार्ट में क्या चीज़ फाइंड करनी है, लोकेशन ऑफ इमेज। क्यों, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट, तो दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द इमेज एच आई। और बी पार्ट में हमने क्या करना है, एच आई फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो पी है वो 19.3 × 2 होगा, 38.6 सेंटीमीटर होगा। उसने न्यूमेरिकल में कहा था कि ट्वाइस, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी गिवन था उसको हमने डबल कर दिया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने लोकेशन ऑफ द इमेज के फाइंड करनी है, तो उसके लिए मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/f = 1/p + 1/q। क्यू फाइंड करना है तो 1/q एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/f - 1/p के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एफ और पी की, तो 1/q इक्वल आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 19.3 - 8.7 / 8.7 × 19.3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको इन्वर्स कर देंगे, q = 167.91 / 10.6, तो ये आंसर आ जाएगा q = 15.84 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये डाटा वही पिछले न्यूमेरिकल का ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिया, और इसके बाद हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज आई हमने फाइंड करना है। ये एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी होता है। हम पिछले न्यूमेरिकल्स में आई ओवर ओ भी यूज़ करते रहे हैं, हाइट इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट के लिए। तो यहाँ पे भी आप आई ओवर ओ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, एच आई यूज़ करें, सिंपल आई यूज़ करें, एच ओ यूज़ करें या सिंपल ओ यूज़ करें, तो इक्वल टू क्यू ओवर पी है। हमने एच आई फाइंड करना है, तो एच आई इक्वल टू क्यू ओवर पी, एच ओ उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर दी, क्यू की वैल्यू 15.84 जो हमने फाइंड की है पिछली स्लाइड में, पी की वैल्यू 19.3 है, ये गिवन है, 13.2 एच ओ ये भी हमें गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास जो हाइट आ जाएगी इमेज की वो आ जाएगी 10.83 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पार्ट, ये हमारे पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है।
ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट था, ए पार्ट का सेकंड पार्ट जो हमने एच आई फाइंड करना था। अब हम ये लास्ट फाइंड कर रहे हैं, इसको सी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। जो हमने क्या फाइंड करना है, एच आई फाइंड करनी है जब पी 38.6 सेंटीमीटर हो। फार्मूला वही यूज करेंगे जो यहाँ पे यूज़ किया, सेम टू सेम यही कुछ होगा, सिर्फ पी की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखें कि एच आई इक्वल टू क्यू और पी इंटू एच नॉट, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, पी की वैल्यू सिर्फ 38.6 पुट की है, बाकी दोनों वैल्यूज वही हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर, विल द इमेज बी अपराइट आर इन्वर्टेड। नबीला कनकेव मिरर यूज कर रही है जब वो मेकअप कर रही है, और क्या है कि मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 38.0 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमने मिरर की फाइंड करनी है। दूसरा हमने क्या, नबीला इज लोकेटेड, नबीला का कहाँ पे है वो 50 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है मिरर से, वेयर विल हर इमेज अपीयर, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, विल द इमेज बी अपराइट आर इन्वर्टेड, इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 38.0 सेंटीमीटर है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमने ए पार्ट में फोकल लेंथ मिरर की फाइंड करनी है एफ, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू, और इसके बाद क्या चीज़ है सी, नेचर ऑफ द इमेज हमने फाइंड करनी है, इमेज बी अपराइट आर इन्वर्टेड, नेचर हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ए फोकल लेंथ एफ फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सबसे पहले हमें आर डिवाइडेड बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर को टू से डिवाइड करेंगे तो वो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं एफ इक्वल टू 38/2, ये हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी 19 सेंटीमीटर है। ये फोकल लेंथ फाइंड हो गई, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू, इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज, ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड करते हैं। तो डाटा इसका एज इट इज़ जहाँ पे हमने नोट कर लिया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्यू हमने फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, तो 1/f = 1/p + 1/q फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से क्यू फाइंड करना है तो 1/q = 1/f - 1/p हो जाएगा, ये 1/p उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस वजह से। अब इसमें वैल्यूज पुट करते कर देते हैं, 1/q = 1/f, जो पिछली स्लाइड में f की वैल्यू फाइंड किया वो पुट कर दी, माइनस p की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको एलसीएम लिया, 19 × 50 आ जाएगा, ये 50 - 19 हो जाएगा, 1/q = 31/950 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30.64 सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास आ गया, उसके बाद सी है नेचर ऑफ द इमेज। तो सिंस क्यू इज पॉजिटिव सो इमेज विल बी अपराइट, जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या है, पॉजिटिव आई है, तो इस वजह से जो इमेज होगा वो अपराइट होगा। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती तो इमेज अपराइट ना होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12.8, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस मिरर से उसका 12 सेंटीमीटर है कन्वेक्स लेंस से। अब लेंस यूज हो रहा है, पहले जो न्यूमेरिकल्स थे वो मिरर्स के थे, यहाँ पे अब लेंस यूज किया जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट था वो 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और लेंस से उसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ उस लेंस की 8 सेंटीमीटर है। हमने पोजीशन इमेज की फाइंड करनी है यानी कि क्यों फाइंड करना है, और साइज ऑफ द इमेज आई फाइंड करना है या एच आई फाइंड करना है, और उसके साथ साथ नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है। तो डाटा हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हमें जो ऑब्जेक्ट का गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके बाद जो फोकल लेंथ गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है। पोजीशन ऑफ द इमेज हमने क्यू फाइंड करना है, सेकंड हमने साइज ऑफ द इमेज एच आई फाइंड करना है, और थर्ड नेचर ऑफ द इमेज हमने बतानी है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1/f = 1/p + 1/q, 1/q क्यों हमने फाइंड करना है, तो इसको एक तरफ ले आएंगे, 1/p - 1/f - 1/p हो जाएगा। 1/q = 1/8 - 1/12, इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर आएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में एच आई और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करते हैं। तो इसका डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब हम इसकी पोजीशन साइज ऑफ द इमेज एच आई फाइंड करने जा रहे हैं। एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी आ जाएगा जो फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें। यहां से एच आई फाइंड करना है तो एच ओ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जो क्यू की वैल्यू है वो हमने पिछली स्लाइड में फाइंड की है, वो पुट की, बाकी दोनों वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। वैल्यूज पुट करने के बाद एच आई इक्वल आ जाएगा 96 ओवर 12 यानी कि 8 सेंटीमीटर एच आई हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज हमने बतानी है। तो नेचर ऑफ द इमेज, सिंस द लेंस इज कन्वेक्स एंड द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। क्या है कि लेंस कन्वेक्स लेंस है, इमेज जो है वो लार्जर है ऑब्जेक्ट से। यह हमने इमेज फाइंड किया है 8 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, लार्जर है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है कि ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है लेंस से, और फोकल लेंथ लेंस की 15 सेंटीमीटर है। हमने पोजीशन, साइज और नेचर बतानी है। तो इसका डाटा नोट कर लेंगे। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इसके साथ माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस यूज किया जा गया है, इसलिए मैं कन्वेक्स लेंस था। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमने पोजीशन फाइंड करनी है, क्यू साइज ऑफ द इमेज एच आई फाइंड करना है और साथ साथ नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यू फाइंड करते हैं। लेंस फार्मूला 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू है। इधर से क्यू फाइंड करना है तो 1 ओवर क्यू एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी साइड पे। 1 ओवर क्यू इक्वल टू 1 ओवर माइनस 15 माइनस 1 ओवर 20। 1 ओवर क्यू इक्वल आ जाएगा माइनस 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20। तो 1 ओवर क्यू इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 300। तो ये सिंप्लीफाई होके माइनस 8.57 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमने जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, डाटा सारा वही पिछले न्यूमेरिकल से, यहाँ से पिछली स्लाइड से यहाँ पे पुट कर दिया। और सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमने एच आई फाइंड करना है, एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी है। तो एच आई फाइंड करना है, बाकी एच ओ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सारी पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच आई आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर क्या होगी, सिंस द लेंस इज कनकेव एंड द ऑब्जेक्ट इज लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ द इमेज, देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेंशनड। जो इमेज लेंस यूज किया गया है वो कनकेव है और ऑब्जेक्ट लार्जर है, ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज है इमेज से। ये इमेज का साइज आया था और ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट लार्जर है इमेज से, तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डायमेंशनड होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 12.10 है। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर द लेंस मस्ट बी प्लेस्ड। कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उसको यूज किया गया है वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, और इमेज कितना हो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो 3 गुना बड़ा हो। वेयर द लेंस मस्ट बी प्लेस्ड, लेंस को कहाँ पर रखना होगा। तो डाटा हम इसका नोट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर की, इमेज डिस्टेंस क्यू क्या कहा गया है 3 टाइम्स होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो क्यू इक्वल होगा माइनस 3 पी। अब माइनस 7 इस वजह से आया क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा, हमने वर्चुअल इमेज जनरेट करना है इस वजह से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड करना है, वेयर द लेंस मस्ट बी प्लेस्ड का मतलब ये है कि लेंस हमने जिस भी जगह पे फिक्स करना है वो ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो हमने पी यहां पे फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर 6 इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर 3 पी, क्यू की वैल्यू माइनस 3 पी है तो ये पुट कर दी। इसका एलसीएम लेंगे, 3 पी इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 1 ओवर 6 इक्वल टू 2 ओवर 3 पी, 3 पी इक्वल टू 12, P इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 P इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के।
ये क्या आ जाएगा, यानी कि इस लेंस को ऑब्जेक्ट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो तब जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12.11, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। रे ऑफ लाइट है वो एयर से इंसिडेंट होती है लिक्विड सरफेस पे, एंगल कितना है 35 डिग्री के एंगल पे। एक तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.25 हो, और दूसरा हमने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है लिक्विड और लिक्विड एयर इंटरफेस के दरमियान। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 35 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फाइंड करना है, और दूसरा क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है सी फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये स्नेल्स लॉ का फार्मूला है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उनकी जो रेशो है विद साइन वो एन के इक्वल होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, तो साइन आर हमने आर फाइंड करना है तो साइन आर इधर आ जाएगा, एन इधर आके डिवाइड होगा। साइन आर इक्वल टू साइन आई ओवर एन, साइन आर इक्वल आ जाएगा, आई की वैल्यू 35 है, एन की वैल्यू 1.25, ये गिवन है। साइन 35 की वैल्यू 0.57 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो साइन आर इक्वल टू 0.458 आ जाएगा, आर इक्वल टू साइन इनवर्स 0.458, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी 27.13। इसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए साइन सी इक्वल टू 1/n का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। सी इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n के, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 0.8 आ जाएगा, इसको साइन इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से तो क्रिटिकल एंगल जो आएगा 53.13 डिग्री आ जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का 12.12, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर, एट वट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म। पावर कन्वेक्स लेंस की 5 डायोप्टर है, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा जब जो इमेज है वो रियल हो और उसका साइज ऑब्जेक्ट से डबल हो, 2 times लार्जर हो। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लेंस प्लेस करने का मतलब यह है कि लेंस ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि पी कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डाटा नोट कर लेते हैं, सबसे पहले पावर हमें गिवन है लेंस की 5D है, साइज ऑफ द इमेज क्यू इक्वल टू 2P, ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल होना चाहिए, 2 times लार्जर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड करना है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, पी इक्वल टू 1/fm इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, पावर जो होती है इसको आप कैपिटल पी लिखना है, ये बाय मिस्टेक स्मॉल पी लिखा गया है, इसको कैपिटल पी लिखना है, यहाँ पे भी कैपिटल पी आएगा। ये हम सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं क्योंकि हमने पी फाइंड करना है, तो पी के लिए जो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें फोकल लेंथ भी यूज़ होनी है, क्यू की वैल्यू तो गिवन है, तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कैपिटल पी इक्वल टू 1/fm, तो एफ इक्वल आ जाएगा 1/ कैपिटल पी के, एफ इक्वल टू 1/5, ये पी की वैल्यू गिवन है, तो एफ इक्वल आ जाएगा 0.2 मीटर की। ये वैल्यू अब हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला में, तो एफ इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी वैल्यूज हमारे पास सेंटीमीटर में होती हैं, जितने भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं उनकी तमाम वैल्यू सेंटीमीटर्स में ही हम रखते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला यूज़ किया 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो एफ 1/20 इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p, क्यू की वैल्यू जो इमेज है वो डबल होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो क्यू इक्वल टू 2p था वो पुट कर दिया, इसका एलसीएम लिया, 2p इक्वल आ जाएगा और 2+1 ऊपर आ जाएगा, 1/20 इक्वल टू 3/2p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2p इक्वल आ जाएगा 3×20 60।
पी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, अब लेंस का डिस्टेंस आएगा ऑब्जेक्ट से, यानी कि हमने लेंस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे रखना है। तो जहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थे, बाकी आप किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।